नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्नेक रेस्क्यू टीम ब्लास्ट में स्वागत है। हम यहाँ तिफरा में बाबजी नगर एक घर पर रेस्क्यू करने आए हैं। अभी रात के 1:30 बज रहा है और जिस तरह से मुझे इन्होंने अभी फ़ोन किया था और कि मेरे घर में एक सांप है जहाँ पर काफ़ी पुस्तक रखा हुआ है रेक में, और मैंने बताया सांप का एक फ़ोटो भेजिए। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोटो भेजा तो मैंने देखा कि कॉमन क्रेत, तो मैंने कहा कि इनसे सेफ डिस्टेंस बनाइए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी बिलासपुर में पहली बारिश हुई है और बारिश होते ही देखिए क्या असर है कि घर में जहरीले सांप घुस गए हैं। और जिस तरह से हम रोज़ यही उम्मीद करते हैं कि आज हमको सोने मिले, दिन भर में हम थकान भर पूरे काम को करते हैं, और जैसे जिस तरह से कल भी रात के हम 3 बजे रेस्क्यू किए हैं और घर में वापस आया, सोचे थे आज सोएंगे, लेकिन जब मुसीबत में आए लोग हमें जब कॉल करते हैं कि सर हमारे घर में जहरीला सांप घुस गया है, तो हमारी नींद उड़ जाती है। क्योंकि अगर हमारे ना सोने से किसी की लाइफ बचती है तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए अभी इस सांप को सही सलामत रेस्क्यू करते हैं। बस 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 वहीं से लो ना, पहला को इधर थोड़ा सा हटाई, बस काफ़ी है। ये देखिए, अभी ये घर की जो बेटी है वो वॉशरूम के लिए जब रात की अभी जा रही थी तो अचानक उनके पैर के पास ये सांप दबते दबते बच गया और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। और मैं बताना चाहूँगा ऐसे सिचुएशन में जो हमारे लिए भी रेस्क्यू करना क्रिटिकल रहता है, और ये भारत का सबसे ख़तरनाक सांप हमारे लिए हमेशा एक टास्क रहता है कि हमको भी सही सलामत रेस्क्यू करना है और घर वालों को भी सेफ करना है। चलिए रेस्क्यू करते हैं सांप को। ग्लव्स, मेरा स्टिक कहाँ गया? ये इसको दीजिए ना। हाँ जी, फैमिली वाले भी आ जाइए, बात इधर बस ले लेते हैं। हाँ जी, अरे नहीं घबराइए मत। देखिए इस सांप को पहचानिए, भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेत। और मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, और कई लोग पूछते हैं कि सर सांप भारत का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो मेरे भाइयों, ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, जो मुख्य 4 सांप हैं उनमें सबसे टॉप मोस्ट खतरनाक सांप है। और इसको अच्छे से पहचानिए कि इसके देखिए पूरे बॉडी में, आज जनरली मैं मुंडी नहीं पकड़ता, हम लोग ग्लव्स पहन के काम करते हैं, और आप इसकी मुंडी पकड़ने की कोशिश मत करिए क्योंकि एक चूक होगा और चूक होने से आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि इसके काटने से बच पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके स्ट्रिप को देखिए, बाबू जिसको पकड़िए, देखिए इसके हेड वाले एरिया से छोड़ के, इतने एरिया छोड़ के देखिए बाकी इसके पूरे बॉडी पे, मेरे दिखाने का रीज़न यही था, मुंडी पकड़ने का रीज़न था यही था कि बाकी पूरे देखिए उसके टेल तक पूरे वाइट वाइट स्ट्रिप, उसके दाग बने हुए हैं। देखिए हम सांप को इसलिए अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं, आप इस सांप को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए। वीडियो के माध्यम से मैसेज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़मीन पे ना सोएं, खाट पे सोइए, क्योंकि बहुत सारे अगर ऐसा करेंगे तो हादसा होने से रोका जा सकता है। अब प्लीज़ हम जो सांप का हेड पकड़े हैं, आप कोशिश मत करिए कि मजबूरी में इसलिए मुंडी पकड़े हैं कि लोगों को हम बता पाएँ, आइडेंटिफाई करके दिखा सकें, और ऐसा रिस्क मत लीजिए क्योंकि हम ऑलवेज ग्लव्स में ही काम करते हैं और आगे भी हम ग्लव्स में ही काम करेंगे। प्लीज़ हमारी कॉपी करने की कोशिश ना करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह आपसे फिर मिलेंगे, किसी की हेल्प करते हुए, किसी की जान बचाते हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।